बसपा के तत्वावधान में आयरन लेडी कुमारी मायावती का मनाया गया जन्मदिन। मुरादाबाद में सोमवार को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल एवं पूर्व प्रत्याशी चंदौसी विधानसभा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने बहन जी के जीवन संघर्ष और 4 बार के शासन काल पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। मेरा नाम कादर अफाक है। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार मुख्यमंत्री रही प्रदेश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उनका आज जन्मदिन है। आज हम बहुत हर्षोल्लास के साथ उन्हें मना रहे हैं और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अदा फरमाए। क्या 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 कार्यक्रम का आयोजन रहा आज? जैसे सुना था कि केक भी कटेगा, क्या रहा? नहीं, केक का तो बहन जी के आदेश से कि इस बार केक ना कटे, घर घर केक कटे, इस बार बहन जी के यही आदेश भी थे। और बहन जी ने कहा था कुछ कि जब घर घर केक कटेगा तो बच्चों तक पहुँचेगा। 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? 2024 के लिए तो अभी मैं आपको कुछ ऐसा खुल के नहीं बता सकता, अभी वक्त लगेगा उसमें आपको बताने के लिए। तैयारियाँ वो तो बहुजन समाज की हमेशा तेज रहती हैं। आज जो पूरी भांति जैसे पहले होता है कि बहन जी का 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहन जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो जन कल्याणकारी के रूप में मनाया जाता है। आज भी बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये खाली मुरादाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे जिले, पूरे भारत के अंदर जन्मदिन मनाया जाता है बहन जी का। कौन सा जन्मदिन है ये? 68वां बहन जी का जन्मदिन है। और अब किसी जो बहन जी ने कहा, जो नाना दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हर घर में हर वक्त हर जगह पर बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले तो यानी जिला मुख्यालय पर मनाया जाता था, लेकिन अब की बार हर घर में, हर कार्यकर्ता के घर में बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और केक काटा जाएगा। और कोई कमल नंबर का कार्यक्रम नहीं रहा? कमल बांटने का कार्यक्रम नहीं, कमल बांटने का ये प्रसिद्ध दिशा निर्देश थे, जिससे गलत यानी वो जाता था, मैसेज गलत जाता था, क्योंकि कुछ लोगों को कंबल मिलते थे, कुछ लोगों को नहीं मिलते थे। बस इसलिए मेरा नाम अखिल चौधरी है। आज किस कार्यक्रम में? पूर्व में मुरादाबाद देहात विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहा हूँ। आज का कार्यक्रम था बहन जी का जन्मदिन का। 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन होता है। ये 68वां बहन जी का जन्मदिन था और ये जन्मदिन जन कल्याणकारी योजना के तहत मनाया जाता है। और ये जन्मदिन बहन जी का जिला ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये आज बताया जा रहा था कुछ कंबल वितरण होगा, कुछ नहीं कंबल वितरण का तो नहीं, वो बहन जी का ही आदेश था कि कंबल वितरण के लिए और केक के लिए बहन जी ने आदेश दिया था कि हर कार्यकर्ता, हर बहन बसपा का समर्थक अपने घर पर अपने बच्चों के साथ यानी केक काटेगा और बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे। घर घर पर, हर घर पर बहन जी का जन्मदिन मनाएगा। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।